इंडिया वाले, अगर आपने मुकाबला करना है तो सामने आके करो। यहाँ पे सारे शेर दलेर जवान मौजूद हैं, आपकी तरफ गीदड़ भभकियाँ लगाने वाले नहीं हैं। ओके, दुनिया को ये भी मैसेज किया कि इंडिया ने दुनिया का सबसे घटिया काम किया कि वो छुप के वार करता है पाकिस्तान के ऊपर। जो क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ तो उसके बाद हम पहली टीम थी जो वहाँ गई थी। इंडिया के लिए ये मैसेज है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए और इस तरह के जो फेक न्यूज़ हैं वो नहीं करनी चाहिए। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद उमर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, न्यूजीलैंड जो सीरीज खेलने पाकिस्तान आई थी और इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बाद भी सीरीज छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर वापस चले गई, उसके पीछे का राज आज सामने आ गया है। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बात कर रहा था कि इसके पीछे इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक इंडियन सिटीज़न ने, मार्टिन गुप्टल जो कि न्यूजीलैंड के काफ़ी मेन प्लेयर है, उनकी वाइफ को एक ईमेल किया है और उस ईमेल में ये लिखा है कि मार्टिन गुप्टल को जान का खतरा है। और उस ईमेल में ये लिखा गया है कि मार्टिन गुप्टल को जान का खतरा है और उन्हें, उनकी वाइफ को थ्रेट किया गया है कि मार्टिन गुप्टल को जान का खतरा है। जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ ये कहते हुए कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हमें सीरीज़ छोड़कर वापस जाने का इरादा किया। तो आए चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ जो ख़त्म हुई है, न्यूजीलैंड की टीम चले गई है सिक्योरिटी इशूज़ का रीज़न देकर, कि एक इंडियन लड़के ने, ओम प्रकाश जिसका नाम है, मार्टिन गुप्टल की वाइफ को मैसेज किया है, ये एक फेक ईमेल किया है कि आपके हस्बैंड की जान को खतरा है, तो इस हरकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियन जो भी ये बंदा है, उसने ये फेक जो न्यूज़ है वो बनाई है, उसके लिए जो है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये इसने अच्छा नहीं किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह करके। वो जेलसी भी फील कर रहे होंगे कि पाकिस्तान जो है कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो हम इसके लिए कुछ ना कुछ गलत करें। इस हरकत के बारे में क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ये है, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है इंडिया के लिए ख़ासकर, कि वो कुछ कर नहीं सकता, सामना तो कर नहीं सकता हमारा, और छुप के वो वार कर रहा है। और छोटे से लड़के के कहने पे जो न्यूजीलैंड के कप्तान ने किया, वो तो डरपोकल वाला काम, उससे ज़्यादा न्यूजीलैंड ने किया। तो ये न्यूजीलैंड की टीम को भी सोचना चाहिए था कि यार, हम इतने छोटे से इशू के लिए हम ग्राउंड छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, डरपोकल वाला काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान को बचाना चाहिए, बताना चाहिए था उनका काम था, हम पाकिस्तान को बताएँ, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को बताएँ कि भैया हमारे साथ ये काम हो रहा है। पाकिस्तान क्या कहता है? हम तो उनके साथ खड़े थे, हमारी पूरी आवाम उनके साथ खड़ी थी, हमारी जिस मुल्क में जितनी सिक्योरिटी उनको दी गई है, उनको मेरे ख्याल से घर में नहीं मिलती। तो न्यूजीलैंड को पता नहीं था क्या आपकी सिक्योरिटी कितनी सख्त है, पाकिस्तानी कितने अच्छे जवान हैं, कैसे जवान हैं पाकिस्तान के ये? तो पाकिस्तान ने कितनी अच्छी सिक्योरिटी दी थी इंडिया वालों को, उसको न्यूजीलैंड वालों को, तो खुदारा उनको सोचना चाहिए था। जो रात कब्र में है ना, वो बाहर नहीं है, ये तो हमारा अकीदा है ना मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। तो इंडिया वालों ने बहुत गंदी चाल चली है, वो हमारे से जेलस हो रहे हैं यहाँ पे, भाई हमारे ग्राउंड आबाद ना हो, खेलों के ग्राउंड आबाद ना हो। लिहाजा ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वो सपोर्ट मैन है, वो खेलों को समझते हैं, और हमारे यहाँ पे स्टेडियम आबाद होने चाहिए, वीरान नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल वीरान होते हैं। देखें, हम तो यही कहेंगे कि अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने पिछले 10 साल से बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी, तो जाहिर सी बात है इंडियन, आपको पता ही है कि वो कैसे बंदे हैं, उनको ये बात हज़म नहीं हुई होगी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के, देखें जब सीरीज़ हुई थी उनके प्लेयर मेन नहीं थे आ रहे, वो आईपीएल में चले गए, उसके बाद उन्होंने वो आई टीम आई, प्रैक्टिस सेशन उन्होंने किया एग्जैक्टली, अब मैच से पहले वो छोड़ के चले गए, तो इसका जाहिर सी बात यही है कि इंडिया को ये बात हज़म नहीं हो रही। तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे पाकिस्तान, हमने तो टिकट भी बुक की हुई थी, लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ, तो हम यही कहेंगे शेमफुल एक्ट है उनका। और ये तो इंडिया ने जो काम किया वो तो बिल्कुल गंदा नहाया, तो गंदा घटिया काम किया, वो आज ऐसे ही करते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो उनका अपना घर का मामला हो, उन्होंने बुत प्रस्ती का काम करना होता है, बुत के पीछे छुप के काम करने होते हैं, आगे जय माता जी पीछे खे माता जी, वो फारे लोग हैं, किसी काम के नहीं है, घटिया काम करते हैं। दिल है, ताकत है, हिम्मत है, सामना करो आके, सब दुनिया को बताओ कि जी हम टक्कर ले रहे हैं पाकिस्तान से। ये तो एक बचकाने का लगा, बहुत घटिया काम है इंडिया का। बहरहाल न्यूजीलैंड को ये चाहिए था कि वो हमें बताती, फिर भी हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र है, अपनी टीम पे फ़ख्र है, अपनी सिक्योरिटी पे फ़ख्र है हमें, मगर दुनिया को मैसेज गया इस चीज़ का कि न्यूजीलैंड की टीम डरपोकल टीम है, वो हमारा सामना नहीं कर सकी। दुनिया को ये भी मैसेज गया कि इंडिया ने दुनिया का सबसे घटिया काम किया,
कि वो छुप के वार करता है पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो अफगानिस्तान से करे, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डरों से करे, चाहे वो किसी भी हाथ से जाए, मगर ये बहुत घटिया काम है, शर्म आना चाहिए इंडिया वालों को। देखिए इंडिया ने पहले भी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही किया, उनकी हमेशा कोशिश होती है पीछे से छुरा घोंपे, वो उन्होंने इस दफ़ा भी किया है, लेकिन हम इसका बदला ज़रूर लेंगे उनसे, वो भी वर्ल्ड कप में, और उन्हें जब अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने किसके साथ पंगा किया। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात रही तो उनसे हमारा एक बार अच्छा रिलेशन था, हम जो क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ था उसके बाद हम पहली टीम थी जो वहाँ गई थी, लेकिन उनका ये हमारे साथ करना और हमें ना बताना मसला भी उस वक्त पे, ये गलत बात थी। तो इंडिया से तो हम इसका बदला लेंगे, अब न्यूजीलैंड भी उस फहरिस्त में शामिल हो गया हमारे लिए, तो मुझसे भी अब आगे बदला लेंगे। तो जिस लड़के ने ये हरकत किया उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? देखें हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम इन पाकिस्तान में वो इंडिया में है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ का वो पूरा करेंगे उनसे, उनके साथ हिसाब किताब। हम बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उन्हें यानी सही राह पे लेके आए, और कुछ नहीं कर सकते। मैसेज देना चाहोगे इंडियन मीडिया के लिए जो ये खबर फैला रहा है और इंडियंस के लिए? उनका काम ही है, उनका मीडिया देख लें पूरा दिन कर ही ये रहा होता, उनका काम ही ये झूठी खबरें फैलाना। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की हुकूमत को ये चाहिए कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर कोई भी बंदा ऐसी हरकत से बाज रहे। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में वाकई कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं या सेफ कंट्री है पाकिस्तान? पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, देखें इस टाइम मैं सेफ फिर रही हूँ मार्केट में, मुझे कोई इशू नहीं है। मैसेज देना चाहेंगी फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ये मैसेज है कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, और इस तरह के जो फेक न्यूज़ हैं वो नहीं करनी चाहिए मार्केट में, जो है नहीं फैलानी चाहिए, एक बन के रहें, ताकि जो है हम आगे दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं और मिलजुल के कामयाबी की तरफ जाएं। यार हम तो यही कहें कि ठीक है पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट के दरमियान होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो इमोशनल लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में वैसे भी क्रिकेट बहुत देखते हैं लोग, तो स्पोर्ट्स के साथ इमोशनल जुड़े होते हैं लोगों को, तो हम यही कहेंगे कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को मिक्स ना किया जाए। आप कुछ कहेंगे? सेम जैसे भाई ने कहा कि बस ये हमें क्रिकेट से शौक है, देखें तो प्लीज़ पॉलिटिक्स के साथ इसको मिक्स ना करें, ये क्रिकेट और जैसी और इसको होने दें। बहुत शुक्रिया। तो जिस लड़के ने ये हरकत की है उसे क्या, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, उसे कोई फ़ाइन वगैरह, उसे कोई सज़ा होनी चाहिए? यार उसको तो पहली बात यह शर्म से ही डूब मरना चाहिए कि उसने, अगर तो वो खुद क्रिकेट का फ़ैन होगा जाहिर सी बात है, उसको शर्म से ही डूब मरना चाहिए। अब सज़ा हम क्या देंगे उसको, तो वो तो उनकी गवर्नमेंट जाने, अब हम उसके, अगर तो हमारे कोई ISI वगैरह ने, अगर ये तो रियल मतलब है ये बात सच है, तो उसको फिर सज़ा तो देनी चाहिए। वैसे तो पहली बात यह है कि उसको शर्म से ही डूब मरना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर उसने ये हरकत किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के अकील से पाकिस्तान का बहुत देखें, अब कोई टीम इंग्लैंड ने भी अपना वो जो है दौरा कैंसिल कर दिया है, तो इसलिए सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। सो हाउ ट्रू इज़ दिस एलिगेशन, ये कितना ट्रू है? इसमें आप कह रहे हैं ईमेल की है, आई वुड से कि इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि ईमेल गई कहाँ से। अभी आपको ये श्योर है कि ईमेल कहाँ से गई? ये चीज़ अप्रूव्ड हो चुकी है इंडिया से, 2019 में ये रजिस्टर हुआ था फ़ोन उसका, सही है, और ये इंडिया के कैपिटल में ही हुई ये हरकत, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ वेरीफाइड हो चुकी है। तो क्या कहोगे इस पे यार, क्यों हुई है ये? दिस इज़ अ प्रीटी स्टूपिड एक्ट। ये हमारे मिडिल ईस्ट को बेसिकली, मैं कहूँगा ये एक तरह से इट्स लाइक अ बैड मार्क ऑन इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वहाँ जो उनसे हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और वो सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो सारी बेसिकली तो हम लोगों को एज मिडिल ईस्ट देखते हैं ना, तो जब हम यहाँ पे इकट्ठे एक जगह पे एक एरिया में एक खित्ते में होते हैं, आप इस तरह की हरकत करोगे वो सारे ओवरऑल खित्ते के ऊपर ही एक बैड मार्क है पहली बात, बट अगर वो एज अ नेशन भी जाते हैं तो एज अ नेशन भी ये एक बहुत ही लो ब्लो है, और इट्स अ वेरी चीप एक्ट फ्रॉम देयर साइड। तो जिस लड़के ने ये हरकत की है यार, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज हम तो पाकिस्तान में हैं, और अगर हम पाकिस्तान में हैं तो ऑब्वियसली हम तो यहाँ पे उनकी करेंसी तक नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ का बंदा यहाँ नहीं, यहाँ का बंदा वहाँ नहीं। इंडियन गवर्नमेंट को उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? किस गवर्नमेंट को? इंडियन गवर्नमेंट को। आई डोंट थिंक दे विल डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज उनके आप अगर मीडिया को देखो या आप उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करो तो दे डोंट हैव मैनी गुड फीलिंग्स अबाउट पाकिस्तान, और वो अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करते हैं इस बात को कि वो पाकिस्तान को हेट करते हैं, तो आई डोंट थिंक वो कोई भी एक्शन लेंगे, लेना चाहिए एज अ नेशन। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो सारे वर्ल्ड के अंदर तो आपको इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, बट स्टिल इट्स अ चीप ब्लो। इनके मुझे अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं बयान करूँगा, जो मैं इनको कह सकता हूँ, दिल में तो बहुत कुछ है मैं कहना नहीं चाहता। शुक्रिया। तो जिस लड़के ने हरकत किया उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए?
उसके साथ सलूक होना चाहिए। अगर इंडिया चाहता है कि मेरी उसकी इज्जत बचे, उसकी इज्जत बचे, उसका काम बनता है, उसको सजा दे, उसको पकड़े कि भाई तुमने ये काम क्यों किया, इंटरनेशनल मैच है ये, कुछ छोटा मोटा काम नहीं है, हम दुनिया के साथ मैच खेलते हैं, आपकी एक अच्छी टीम है, हम आपकी टीम को पसंद भी करते हैं, कई खिलाड़ी हैं आपको उनको पसंद भी करते हैं, मगर देखो उनके खुद खिलाड़ी का विराट कोहली का बयान था, धोनी का बयान था कि अच्छा नहीं किया जिसने भी किया। अब उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे ही मुल्क से आदमी निकला है जिसने ये हैकिंग का काम किया और उनको मैसेज किया, डराया, धमकाया, तो ये उनको सजा देनी चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो हमें क्या, हम आके देते हैं उनको, हमें ज़्यादा दें, शोल्डी दें, हम उनके मुल्क में जाकर उनको सजा देते हैं, पकड़ने की ज़्यादा दें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, न्यूजीलैंड को तो चाहिए ना इसके ऊपर एक्शन लेना कि यार हम मेरी उनके कप्तान की बीवी को धमकी दी जाती है, फिर वो अपने मियाँ को बुलाती है, ये तो उनके लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है कि उनका काम है अटैक करना उनके ऊपर। और उसके बाद इंग्लैंड की टीम छोटे से इशू को देखा नहीं, सुना नहीं, ये हम भी नहीं आ सकते। ये जसवेद को जितने भी लोग हैं ना, खास करके ये गोरे लोग जो हैं, ये मतलब प्लस लोग हैं, उसको मैं तो कहता हूँ लटकाना चाहिए उल्टा, और हमारे वज़ीर आज़म इस पे एक्शन लें। ओके, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? बस अरे वो जेलस हो रहे थे इंडिया वाले, मैं इनके ग्राउंड क्यों आबाद हो रहे हैं। तो किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जिस बंदे ने ये हरकत की है? तो ये तो आई सी सी आई वाले सोचेंगे भाई क्या सज़ा होनी चाहिए। इंडिया पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप जो आ रहा है ना, उस पर इंडिया की टीम को बिल्कुल खिलाना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? सेफ कंट्री कौन कहते हैं नहीं है, सेफ कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? इंडिया वाले अगर आपने मुकाबला करना है तो सामने आके करो, यहाँ पे सारे शेर दलेर जवान मौजूद हैं, आपकी तरफ गीदड़ भभकियाँ लगाने वाले नहीं है। ओके।